शिवपुरी जिले में उर्वरक की उपलब्धता और वितरण पर निगरानी के लिए शनिवार को एसडीएम शिवपुरी गणेश जायसवाल शहर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने खाद दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों से जानकारी ली। साथ ही मौके पर उपस्थित किसानों से चर्चा की और कहीं लापरवाही देखी तो वहां पर विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिवपुरी एसडीएम ने एवी रोड स्थित दुकानों का निरीक्षण किया और निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य में उर्वरक किसानों को बेचने के कारण श्री नाथजी एंटरप्राइजेस संस्था को तत्काल सील करने की कार्यवाही की। उन्होंने किसानों से चर्चा करते हुए उर्वरक के सही मूल्य की जानकारी दी। साथ ही सभी संस्थाओं पर पोस्टर और रेट चस्पा करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को जानकारी रहेगी और वो सही मूल्य पर खाद खरीद सकेंगे। एसडीएम ने विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसानों से अधिक दाम ले लिए जाते हैं या खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। किसी भी दुकानों को सील किया जाएगा। शासकीय लोग किसान के भेष में आपसे जाएंगे, आपके बारे में जानकारी लेंगे और लगेगा कि आप गलत बेच रहे हो तो ग्राहक बन के भी हम सबूत इकट्ठा करेंगे। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि शासन ने जो तय किया है रेट वही रेट लें। इसमें जरा भी किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश न करें, वरना उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये ध्यान रखें।